हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए स्वादिष्ट साबूदाना लड्डू बनाएंगे। चलिए साबूदाना लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है। साबूदाना को कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करें। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो साबूदाना का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। और ये भुना हुआ साबूदाना का एक दाना अगर आप चबा के देखोगे तो ये आपको बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर ले। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में इसे निकाल के बारीक पाउडर तैयार कर ले। तो देखिए इस तरह से बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डालें। घी गरम होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ काजू बादाम और पिस्ता डालना है और इसे लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद इसमें 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डालना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। कोकोनट भून जाने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, तो इस खुशबू से किचन पूरा महक रहा है। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें साबूदाना का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम बंद करके इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चुटकी जायफल का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण को ठंडा कर ले। तो ये मिश्रण हल्का सा गर्म है। अब हम इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण अभी भी ड्राई लग रहा है तो इसमें 1/4 कप घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण को दूसरी प्लेट में निकाल के 4 बड़े चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो इसमें और थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा लड्डू बन गया है। ऐसे ही मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। इतने मिश्रण में 10-12 लड्डू बन जाते हैं। पिस्ता से मैंने इसे गार्निश किया है। तो हमारे लड्डू बनके तैयार है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और खाते ही मुंह में घुल जाता है। नवरात्रि व्रत में ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।